13.8 रोग फैलने के साधन मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज। हमने पढ़ा कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्तियों को भी रोग ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर अन्य व्यक्ति को वह रोग कैसे हो सकता है? संक्रामक रोग के जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा आसानी से फैलते हैं, जैसे वायु, जल, भोजन, लैंगिक संपर्क आदि। न्यूमोनिया तथा तपेदिक जैसे रोग वायु के माध्यम से फैलते हैं। जब रोगी व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके लार के छींटों के साथ शरीर में उपस्थित रोगों के जीवाणु या विषाणु बाहर आते हैं तथा आसपास उपस्थित स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी रोग से ग्रसित हो जाता है। रोगी के पास खड़े व्यक्ति को वायु के माध्यम से वाहित रोगों का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक भीड़ वाले एवं कम रोशनदान वाले घरों में वायु वाहित रोग होने की संभावना अधिक होती है। दूषित व अधपके मांस व अन्य भोज्य सामग्री को भोजन के रूप में लिया जाए तब भी इससे कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं। कवक, फंगस लगा भोजन या भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से खाद्य विषाक्तता होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य रोग लैंगिक संपर्क के कारण भी फैलते हैं, जैसे सिफिलिस, एड्स आदि। एड्स लैंगिक संपर्क के अलावा रक्त आधान, रक्त चढ़ाना, संक्रमित इंजेक्शन, ग्रसित माता द्वारा बच्चे को दुग्ध पान कराने एवं ग्रसित माता से गर्भ के शिशु में भी फैलता है। मनुष्यों में असंक्रामक रोग कैसे हो जाते हैं?